और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और प्रदेश युवा कांग्रेस रोजगार दो न्याय दो मुहिम चलाएगी। इसके तहत 20 जनवरी से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर भाजपा सरकार को घेरेंगे। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से 20 जनवरी से रोजगार दो न्याय दो अभियान चलाया जाएगा। युवा कांग्रेस के राष्ट्र प्रभारी कृष्ण अलवरू और प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी है कि राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से 20 जनवरी से रोजगार दो न्याय दो अभियान चलाया जाएगा। युवा कांग्रेस ने राष्ट्र प्रभारी कृष्ण अलवरू बोलते हैं कि राहुल गांधी ने भी मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, युवा रोजगार का न्याय मांग रहे हैं और मुद्दे को भी आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और प्रदेश युवा कांग्रेस रोजगार दो न्याय दो मुहिम चला रही है। इसी मुहिम में हम युवाओं की आवाज बनना चाहते हैं। हम सड़क पर आएंगे, हम ग्राम पंचायत से लेकर वार्ड भी जाएंगे, विधानसभा को घेरेंगे और रोजगार का मुद्दा उठाकर राजस्थान में केंद्र सरकार से न्याय मांगेंगे। यात्रा का रूट कुछ धौलपुर से होते हुए, जैसे आपने कहा अभी तक जो रिलीज हुआ है, बांसवाड़ा के से निकलते हुए जा रही है। राहुल गांधी जी की यात्रा जिस रूट से जाएगी वो रूट राजस्थान को छूके जा रहा है। वो जब कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर चले थे तब राजस्थान के थ्रू काफी चले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर एक अंग, प्रदेश कांग्रेस हो युवा कांग्रेस हो, उस यात्रा को प्रदेश के हर कोने तक लेके जाएंगे। उसके मांग न्याय दो का मांग हर एक कोने तक लेके जाएंगे और उसी यात्रा का एक हिस्सा है रोजगार दो न्याय दो। तो यात्रा भले एक रूप से जाएगी लेकिन इसका संदेश हर जगह पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके संगठन सारे मिलके, हम सब मिलके करने वाले। बिल्कुल, हम पहले भी ये काम कर चुके हैं। पहला वोट करके हमारा एक मुहिम है, उसके उस मुहिम के द्वारा नए जो वोटर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बनाने की जिम्मेदारी हम आगे बढ़कर करेंगे। कांग्रेस का अध्यक्ष अभिमन्यु जी हैं। राष्ट्र में जब होगा, अगर होगा तो आपको पता चलेगा। अभी के लिए श्रीनिवास जी हमारे अध्यक्ष हैं और जहां तक मुझे पता है अभी फिलहाल कोई चर्चा इस पे ज्यादा गंभीरता से नहीं है। देखिए, विधानसभा हो या लोकसभा हो, यूथ कांग्रेस के उम्मीदवारों से मेरा हमेशा एक ही लाइन रहती है कि कोटा 0 भी हो सकती है यूथ का, कोटा 100 भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है या 0% भी हो सकती है। बात यह है कि कितने उम्मीदवार जीतने के काबिल है। अगर 100% 25 में से 25 लोकसभा में युवा उम्मीदवार सबसे बेहतरीन उम्मीदवार है, हम युवा उम्मीदवारों को आगे करेंगे। तो जिस लोकसभा में जितने मजबूत युवा हैं उनकी लड़ाई उतनी मजबूती से युवा कांग्रेस लड़ते हुए आ रही है और आगे भी लड़ेगी।